हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त मोहित। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक और नई वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो ब्रेजा के ऊपर होने वाली है, तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं हमारी वीडियो को शुरू। सामने से देखने पर ब्रेजा का वेरिएंट कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। ये VXI वेरिएंट है ब्रेजा का। इसी वेरिएंट से हमें ब्रेजा के अंदर DRL देखने को मिल जाते हैं और ये काफ़ी ब्राइट हैं। और इसकी दोनों हेडलाइट के बीच के अंदर हम देखें तो इसमें हमें क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है और बीच में एक सुजुकी का बड़ा सा लोगो देखने को मिलता है। और ये काफ़ी ब्राइट हैं जैसा कि मैंने आपको बताया और आप भी देख पा रहे होंगे इसके DRL को। अब बात कर लेते हैं इसके फोग लैंप की। तो फोग लैंप हमें इसमें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाती। प्रोजेक्टर फोग लैंप जो आप देख पा रहे हैं इनके अंदर हमने HID डलवाई है। प्रोजेक्टर और HID दोनों के मिलाकर हम अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो 6,500 के लगभग हमें इसकी प्राइस पड़ी थी। ये तो हो गई फ्रेंड्स इसके फ्रंट की बात। अब देख लेते हैं ब्रेजा VXI वेरियंट का साइड लुक। इसमें जो साइड टर्न इंडिकेटर है वो भी हमें साइड वाले मिरर पर देखने को मिलता है। जो इसका बेस वेरिएंट है उसके अंदर हमें फेंडर के अंदर देखने को मिलता है और साइड से भी काफ़ी प्यारी लगती है ब्रेजा में। ब्रेजा की सेल की अगर बात करें तो ये अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल होती है। ब्रेजा का हमने फ्रंट और साइड लुक तो दिखा दिया, अब बारी आती है इसके रियर लुक की। रियर से हमें कुछ ऐसी लुक देखने को मिलती है ब्रेजा की। नंबर प्लेट के ऊपर की बात करें तो इसमें क्रोम में लिखा गया है विटारा ब्रेजा और उसके ऊपर सुजुकी का लोगो भी हमें देखने को मिल जाता है। ये तो हो गई फ्रेंड्स इसके एक्सटीरियर की बात। अब मैं ब्रेजा का इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। तो अभी गाड़ी लॉक है और अभी फिर से हमने बटन दबाया तो अनलॉक हो गई। तो इंटीरियर दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी की में हमें दो बटन देखने को मिलते हैं, एक लॉक का और अनलॉक का। और ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है तो की इसकी फ्लिप की नहीं देखने को मिलती, ये बटन दबाकर खुलती है नीचे से। ड्राइवर साइड डोर में हमें विंडो को अप डाउन करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से हम चारों विंडो को ऑपरेट कर सकते हैं और चारों डोर्स को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। और नीचे की तरफ इसमें हमें 1 लीटर बोतल होल्डर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। ये ब्रेजा की जो एम्बियंट लाइट है ये हमने आफ्टर मार्केट लगवाई थी, ये कंपनी की तरफ से हमें नहीं दी गई थी। VXI वेरिएंट में हम सीट की हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब कर लेते हैं इसके इंटीरियर की बात। स्टेयरिंग के राइट साइड में हमें बाहर के जो मिरर है उनको एडजस्ट कर सकते हैं, उनको फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। और ये हमारा पुश स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया। और स्टेयरिंग व्हील पे भी हमें लेफ्ट साइड में कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और ऐसी कुछ दिखती है इसकी MID जिसमें काफ़ी फीचर हमें देखने को मिलते हैं एवरेज और ट्रिप से रिलेटेड। ब्रेजा की अगर हम म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो इसमें हमें 2D म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है। ये जो आप टच स्क्रीन देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट लगवाई हुई है। और इसके IRVM की अगर हम बात करें तो ये मैन्युअली एडजस्ट होता है डे और नाइट में। अब बात कर लेते हैं इसके ड्राइवर साइड के सनवाइजर की। तो इसमें हमें टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है, इसमें हमें कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं देखने को मिलता। अब देख लेते हैं इसके को ड्राइवर साइड, तो इस साइड हमें वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी एक अच्छा फीचर है। और इसके ऊपर ही हमें एयरबैग की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। अब बारी आती है इसके रियर सीट की। तो चलिए फ्रेंड्स पीछे की सीट भी हम आपको दिखा देते हैं कि कितना कुछ स्पेस मिलता है और रियर वाले डोर पर क्या कुछ हमें फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें 2 लीटर की बोतल आराम से आ जाती है इसकी बोतल होल्डर में और रियर वाली विंडो को हम अप डाउन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसका स्पेस कैसा हमें इसके अंदर स्पेस देखने को मिल जाता है। इसमें हमने 7D mat इंस्टॉल करवाए हैं जिनकी कॉस्ट हमें 3500 रुपये पड़ी थी। ऐसा कुछ स्पेस बचता है रियर वाली सीट के अंदर जब 5'8" का बंदा आगे बैठता है। VXI वेरियंट में हेडरेस्ट भी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। पीछे बैठकर जब हम आगे के लुक को देखते हैं तो ऐसी कुछ लुक हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है जो कि सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर है और जो कि सेकंड बेस से ही हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।